हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिमन्यू, द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो मैं अतुल सामरिया, और अपने बारे में आपको थोड़ा कुछ मैं बता दूं। आई एम एन एडवांस्ड मेंटर एट अभिमन्यू आईएएस चंडीगढ़। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो सिक्योर्ड रैंक 343 इन CAPF 2018 एग्जाम। Apart from that, I have cleared around 7 to 8, 5 UPSC prelims, and I have also cleared the written part of CAPF Assistant Commandant exam 3 times. So, for all of those persons who are very interested in dodging the uniform, मतलब जिनको uniform का शौक है और जो officer बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको पता है कि CAPF Assistant Commandant exam is a golden opportunity to do so. तो अभिमन्यु आईएएस के थ्रू, बिकॉज द पैटर्न ऑफ द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम इज वेरी सिमिलर, या हम कहेंगे इट इज द सिलेबस इज वेरी सिमिलर टू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट इट इज द टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट, विच वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। अदरवाइज अगर आपको यूनिफॉर्म का शौक है, तो CAPF AC एग्जाम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, किस चीज़ के लिए? एक ऑफिसर बनने के लिए। तो आज हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है, कि व्हाट इज CAPF, आखिर होता क्या है CAPF, CAPF एग्जाम के बारे में हम कुछ जानेंगे, CAPF ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ठीक है, लाइफस्टाइल क्या होता है, उस सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। और इसके साथ CAPF AC 2020 को टारगेट करने के लिए हम एक कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चलेगा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। CAPF कि आखिर ये CAPF होता क्या है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये कोई एग्जाम नहीं है। CA मतलब कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। जैसे आपके स्टेट के अंदर पुलिस होती है, वैसे सेंटर के अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती हैं। ओके, तो इसके अंदर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं है, इसके अंदर अराउंड 5 फोर्सेज हैं, ठीक है, जो इस एग्जाम के अंदर भी कवर होती हैं, UPSC CAPF AC एग्जाम के अंदर भी कवर होती हैं। जो पहली फोर्स है वो है CISF, ठीक है, दूसरी फोर्स है वो है BSF, तीसरी फोर्स है वो है ITBP, चौथी फोर्स है वो है CRPF, और जो फाइनली फिफ्थ फोर्स है वो है हमारे पास SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए CISF की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ओके, ये जो हमारे मेन इस्टेब्लिशमेंट हैं, किस चीज़ के, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन, जो कि बड़े स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, किसके लिए, हमारे देश की ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हमारे अदर पावर प्लांट्स हो गए, माइनिंग सेक्टर के अंदर हो गया, या फिर इसके अलावा आप ये देखिए कि जो एयरपोर्ट्स हमारे हो गए, तो इवन दिल्ली मेट्रो, मतलब जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी है CISF की, ठीक है। इसके अंदर लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी मेनली, कहते हैं कि मेनली अर्बन ही पोस्टिंग होती है, अर्बन एरिया के अंदर ही पोस्टिंग होती है। ओके, और यहाँ पे आपको अराउंड एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट दी जाएगी और वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी के जो प्लांट्स हैं, आप अगर आपकी वहाँ पोस्टिंग होगी, तो आपको मेनली उस प्लांट के अंदर ही रहना है और उसको ही आपको प्रोटेक्ट करना है, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी आपके पास ही होगी। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ही आपके जो लेवल ऑफ ऑफिसर्स हैं वहाँ पे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एक IG की पोस्टिंग होती है, जहाँ पे मल्टीपल कमांडेंट्स एंड असिस्टेंट कमांडेंट्स वहाँ पे उनको मैन करते हैं, मतलब कि हायरार्की बनी हुई है, जितनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट उतने ही ज़्यादा ऑफिसर। अगर आप किसी छोटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे आप भी डायरेक्टली कमांडिंग ऑफिसर हो सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, तो दिस वॉज CISF। द नेक्स्ट इज BSF। ओके, BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देखिए सीधी सी बात है, ये बनाई गई है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए। ओके, मतलब कि एक तो आर्मी होती है, आर्मी फ्रंट के ऊपर कब जाती है, किसी बॉर्डर के ऊपर कब जाती है, वो तब जाती है कि अगर वॉर हो जाए, लेकिन पीस टाइम के अंदर अपने जो बॉर्डर हैं उनको इन्फिल्ट्रेटर्स और अदर ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉर एग्जांपल ड्रग स्मगलिंग होती है जो, ओके, वेपन स्मगलिंग होती है, उन सबको रोकने का, और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर तो कॉइन स्मगलिंग भी होती है, इंडिया की जो करेंसी है कॉइन उधर जाते हैं, और साथ में कैटल स्मगलिंग भी होती है, ये सब तरह के अपराध रोकने के लिए ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है।
ओके, इट इज द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, बीएसएफ क्या है, जो कि लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है दुनिया की। ओके, इसके अंदर आपको मेनली, आपको एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपको जो पोस्टिंग मिलेगी, आपको डायरेक्टली आपको कहां मिलेगी, आपको बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। और वहां पे या तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर होंगे या फिर आप बांग्लादेश के बॉर्डर के होंगे एट द इनिशियल पीरियड। धीरे धीरे आपकी प्रमोशन होती रहती है और आप बॉर्डर आउटपोस्ट से बटालियन की तरफ मूव करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। जैसा कि आपको नाम से पता होगा, बॉर्डर पुलिस है, ऑब्वियस ही बात है, अगर बॉर्डर पुलिस है तो ये कहां है, लेकिन इंडो तिब्बतियन वाले बॉर्डर के ऊपर है ये। ओके, ये जो बॉर्डर, अगर आपको क्लाइंबिंग का शौक है, आपको अगर पहाड़ अच्छे लगते हैं, तो दिस इज द बेस्ट फोर्स फॉर यू, ठीक है, दिस इज द बेस्ट फोर्स फॉर यू। ओके, ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये मेनली कहां पे आपको पोस्टेड होंगे, आप इसके अंदर पोस्टेड होंगे इंडिया और जो तिब्बत का बॉर्डर है, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, उसके लिए इस फोर्स को स्पेसिफिकली बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CRPF, CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या करती है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जहां पे स्टेट पुलिस को हेल्प की जरूरत होती है वहां पे CRPF जाती है। इट इज द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्म पुलिस फोर्स है, इससे बड़ी कोई भी नहीं है, और ये इकलौती शायद ऐसी पुलिस फोर्स है जो कि CRPF, जो कि आजादी से पहले से चलती आ रही है, मतलब अंग्रेजों के जमाने में ही 1927 के अंदर इसका गठन हो गया था। ओके, और फाइनली ये है SSB, ये सशस्त्र सीमा बल, ये जो फोर्स है ये पोस्टेड है कहां पे, हमारे नेपाल और भूटान के बॉर्डर के ऊपर, ये फोर्स एकदम पोस्टेड है वहां पे, आपको सारी चीजें पता। यहां पे इनका मेनली काम वही है, स्मगलिंग रोकना और ये सारे काम करना। ओके, तो ये आपके 5 फोर्सेज हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया CAPF, क्या आखिर CAPF होता क्या है, अब हम बात करते हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की। ओके, CAPF AC वो कौन होता है, CAPF AC आखिर ये AC होता क्या है। AC इज ए पोस्ट जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, इफ यू आर एन असिस्टेंट कमांडेंट, अगर आप, वैसे तो ये पोस्ट अपने आप में एक यूनिक पोस्ट है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड जॉब्स इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं तो इससे हाईएस्ट लेवल के ऊपर रिक्रूटमेंट वहां पर नहीं होती। ओके, अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं और मैं थोड़ा कंपेरेटिव एनालिसिस करूं, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट को 3 लेवल के ऊपर, या कहें तो 2 लेवल के ऊपर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो पहला असिस्टेंट कमांडेंट का काम है वो है, आप कंपेयर कर सकते हैं पुलिस, ठीक है, और दूसरा जो इधर आप मिलिट्री से भी, या कहीं आर्मी से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट कमांडेंट को पुलिस के अंदर देखा जाए तो इनकी जो रैंक होगा वो होगा DSP का, या फिर हम कहीं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का, ये रैंक उनका चलता है, ठीक है। मिलिट्री के अंदर कैप्टन की रैंक जो होती है उसके बराबर है, क्या, मिलिट्री के अंदर कैप्टन की जो रैंक होती है उसके बराबर है असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, अगर आपको आसान शब्दों में समझना है, क्योंकि ये दोनों चीज ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। अगर हम 7th पे कमीशन के हिसाब से देखें, ठीक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से देखें तो लेवल 10 मैट्रिक्स की ये पोस्ट है। क्या है, लेवल 10 मैट्रिक्स की ये पोस्ट है, जो कि इक्विवेलेंट है DSP के नहीं, SDM जो होता है स्टेट के अंदर उसके बराबर, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, चलिए पहले मैं ये मिलिट्री वाला, और कैप्टन के अंदर, कैप्टन के पास इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती, आर्मी के अंदर जो कंपनी कमांडर होता है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कंपनी कमांडर क्या होता है, ठीक है, तो आर्मी के अंदर जो कंपनी कमांडर होता है वो मेजर रैंक का होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो कंपनी कमांडर है वो कैप्टन के पास इतनी पावर नहीं होती, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट इज ए कंपनी कमांडर। या आखिर कंपनी कमांडर होता क्या है, ये मैं आपको भी बताने वाला हूं, ठीक है, कंपनी कमांडर, जो कंपनी कमांडर है हमारे यहां पे, इनका रोल क्या होता है, कि व्हाट इज कंपनी कमांडर। देखिए, जो हमारे फोर्सेस हैं, ओके, वहां पे जितनी टोटल फोर्स है उसको बांटा गया है, किस किस बेसिस के ऊपर बांटा गया है, पहला तो सेक्टर वाइज बांटा गया है, ठीक है, किस वाइज, सेक्टर वाइज मतलब नॉर्थ वेस्ट सेक्टर, ठीक है, इस तरीके से बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, BSF के अंदर एक ईस्टर्न सेक्टर, एक वेस्टर्न सेक्टर है, इस तरीके से ये है, ठीक है।
सेक्टर वाइज बांटा गया, सेक्टर के बाद यहां पर जाती है बटालियन। एक बटालियन में अराउंड 1200 लोग होते हैं, 1200 सोल्जर्स होते हैं एक बटालियन में, कितने होते हैं 1200। और इस बटालियन को फिर फर्दर बांटा गया है कंपनीज के अंदर। बटालियन को जो कमांड करता है वो है कमांडेंट, बटालियन को जो कमांड करता है वो है कमांडेंट, और कंपनीज को जो कमांड करते हैं उसे कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। तो इफ यू गेट, इफ यू क्रैक सीएपीएफ एसी एग्जाम, यू विल डायरेक्टली बी पोस्टेड एज एन कंपनी कमांडर। कौन सा? कंपनी कमांडर। ओके, कंपनी कमांडर होता है असिस्टेंट कमांडेंट। आप तो कंपनी के अंदर आपके पास कितने लोग होंगे? ठीक है, कंपनी, एक कंपनी के अंदर ऑन एन एवरेज अराउंड 135 सोल्जर्स होते हैं। तो इसीलिए पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 135 लोगों की जो कमांड है वो आपके हाथ में होगी और वो आर्म्ड होंगे सारे के सारे, मतलब कि उनके पास हथियार बंद 135 लोगों की कमांड आपके हाथ में होगी और वो आपके कहने के ऊपर चलने वाले हैं वहां पे। और एक तरह से बहुत रेस्पॉन्सिबल काम भी हो जाता है क्योंकि इतने लोगों की जिंदगी के लिए आप जिम्मेवार हैं। ओके, 135 पीपल विल शूट ऑन योर ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसीलिए बहुत रेस्पॉन्सिबल पोस्ट भी हो जाती है, इसीलिए इसका एग्जाम जो है सीएपीएफएसी का वो कोई नन अदर देन यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट। किसकी लाइफस्टाइल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट? देखिए, जब भी आपको यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन माइंड में कभी भी ये नहीं आता कि मेरे को क्या मिलेगा, रादर देन व्हाट यू नीड टू फोकस कि आप क्या कर सकते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। देखिए, तो लाइफस्टाइल असिस्टेंट कमांडेंट का इट इज, हम कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन ए वेरी हाई रैंक, आपकी रैंक काफी ऊंची होती है। ओके, इसीलिए, बट रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इवन बिगर, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तो देश की सुरक्षा का मामला है, 135 लोग आपके पास, क्या कहते हैं, 135 लोगों की जिम्मेवारी आपके पास है। बॉर्डर के ऊपर अगर आप बॉर्डर पे पोस्टेड हैं तो उसकी पॉपुलेशन की जिम्मेवारी आपकी है। इफ यू आर मैनिंग एन न्यूक्लियर पावर प्लांट तो लाखों लोगों की जिम्मेवारी आपके पास है, हो सकता है करोड़ों लोगों की जिम्मेवारी आपके पास है कि अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई रिएक्टर हो गया, अगर वहां पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया और आप उसको नहीं रोक पाए तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर इवन हायर। सो ओनली ए फिट पर्सन शुड नॉट, ओनली ए फिट पर्सन जो कि मेंटली और फिजिकली दोनों फिट हो वही इस जॉब को कर सकता है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे कि मैं जाऊं साहब की तरह बैठ जाऊं, मेरे कोई काम ना करना पड़े, तो दिस जॉब इज नॉट फॉर यू। ठीक है, यू विल बी पोस्टेड इन सम टफर एरियाज जहां पे आपकी काफी रेस्पेक्ट होगी लोकल पॉपुलेशन में भी, आपकी कंपनी के अंदर भी, आपकी फैमिली विल बी टेकन केयर ऑफ, आपकी फैमिली को एक बंगलो दिया जाएगा। ठीक है, आपको ओके गवर्नमेंट रेजिडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा और जहां पे आप पोस्टेड होंगे वहां पे यू विल बी द हाईएस्ट ऑफिसर। तो जहां पे आप हाईएस्ट लेवल के ऊपर होते हैं वैसे ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप रहता है एंड यू विल गेट यू नो मोटिवेशन एंड द लाइफ स्टाइल आपकी, यू विल बी वेल टेकन केयर ऑफ इवन एट द रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशन। तो ये बात है, तो लाइफ स्टाइल अच्छा है। जब हम बात करते हैं सैलरी की या फिर हम कहें लाइफ स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो इट इज डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आप ऐसे आदमी हैं कि आपको तो अर्बन लाइफ स्टाइल पसंद है, यू वॉन्ट टू गो टू क्लब्स, ओके, देन इट इज नॉट फॉर यू। हाउएवर, इफ यू आर ए पर्सन हु आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड और आप अपने देश के लिए हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके सर्व करना चाहते हैं तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग सीडीएस नहीं कर पाते, ठीक है, काफ़ी बातें हो जाती हैं, एनडीए नहीं क्रैक होता, ठीक है, तो उन सबके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सीएपीएफ एसी की, हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, मेन जो चीज लोग मैक्सिमम जो देखना चाह रहे होंगे वो है सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर इसका है, इसकी जो बेसिक पे है 56,100 इसकी बेसिक पे है अगर आप चाहें तो। ठीक है, आपको, और जिसके अंदर आपको जो अलाउंस वगैरह मिलके आपकी जो टोटल सैलरी हो जाती है वो अराउंड 83K के आसपास हो जाती है, 83,000 के आसपास हो जाती है। ठीक है, व्हेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, इन द टाइम ऑफ ट्रेनिंग यू विल गेट अराउंड 58,000 इन हैंड। ठीक है, सो द पे इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, हम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके हिसाब से देखें तो पे बहुत अच्छी है। ओके, अगेन बट आई एम सेइंग कि योर फैमिली विल बी वेल टेकन केयर ऑफ, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला, कोई आपको परेशान नहीं करने वाला, योर फैमिली विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं
ये बात करते हैं कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर ये एग्जाम है क्या। ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम, यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम। तो जब भी हम किसी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि वेदर वी आर एलिजिबल दिस, वेदर वी आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो छोटे धीरे धीरे करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एज की, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 20 to 25 एज अगर आपकी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, मतलब मैक्सिमम एज है 25 और मिनिमम एज है 20। ओबीसी स्टूडेंट के लिए या हम कहीं एस्पिरेंट के लिए या कैंडिडेट के लिए जो ये एज स्ट्रक्चर है वो 20 से 28 हो जाता है, मतलब कि 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है 20 से 28। एससी स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए जो एज हो जाती है 20 से 30, मतलब 5 साल की रिलैक्सेशन। एंड सेम फॉर द एसटी, ओके 20 to 30। और इसके अंदर खास बात है कि बोथ मेल एंड फीमेल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेल इज इक्वल टू फीमेल, मतलब कि अपॉर्चुनिटी के मामले में फीमेल्स को यहाँ कहीं पे भी पीछे छोड़ा गया, जैसे कि आईएमए और ओटीए एकेडमीज के अंदर फीमेल की अलग से पोस्ट निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरिट में आके सारी की सारी फीमेल भी अपॉइंट हो सकती है, ओके। और बहुत सारी अब औरतें, मतलब महिलाएं हैं जो कि सीएपीएफ में गए और बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं वो। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज गर्ल्स हु वांट ए लाइफ ऑफ एडवेंचर, ओके, जो कमांड में रहना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप देखें तो। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से यू नहीं है कि भाई फीमेल्स के लिए कम पोस्ट है या कुछ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी पोस्टों के ऊपर फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, आप बीएसएफ में भी जा सकते हैं, सीआईएसएफ में भी जा सकते हैं, हर जगह। और अब महिलाएं हैं वहाँ पे, और तो और मैं अपने पर्सनल लेवल पे ये कहता हूँ कि महिलाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है वहाँ पे, ओके। जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी कंडीशंस धीरे धीरे बेटर होंगी, अदरवाइज हमारी जो फोर्सेज हैं उनके अंदर 33% वीमेन का जो क्राइटेरिया हम पूरा करना चाहते हैं वो कभी होगा नहीं अगर आप ऐसे ही अपने हाथ पीछे खींचते रहेंगे कि नहीं नहीं यार ये जो महिलाओं के लिए नहीं है। इट इज़ नाउ अप टू द गर्ल्स हु आर एजुकेटेड, ठीक है, टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग्स। सो आई विल एट पर्सनल लेवल आई विल मोटिवेट द गर्ल्स टू गो फॉर दिस जॉब, ओके। इट इज़ अ वेरी गुड जॉब एंड यू विल सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ नॉट ऑन इन फ्रंट ऑफ योर ओन फैमिली बट इट यू विल सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, ओके। सोसाइटी के लिए भी बहुत एग्जाम्पल, इतने इंटरव्यूज आते हैं सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट लगी हुई जो लड़कियां हैं उनके बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, तनुश्री पाठक है, ठीक है, इशिता है, उन सबके इंटरव्यूज आते रहते हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो दिस वॉज द एज स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया की। एजुकेशनल क्राइटेरिया वॉज वेरी सिंपल और आई विल से इज वेरी सिंपल। एजुकेशनल क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यू आर जस्ट नीड टू बी ए ग्रेजुएट। इफ यू आर ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, ओके। ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, नथिंग बट ग्रेजुएशन, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए, बात खत्म, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं सीए की, 2020 के अंदर ये एग्जाम कब होने वाला है। 2020 के अंदर ये एग्जाम होगा 9th of August को, 9th of August को, ओके, 9th of August को ये एग्जाम होगा, ओके। मतलब कि आपके पास अराउंड 8 months हैं अभी इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ओके। तो इसके रिगार्डिंग ही हमने जब सिलेबस और ये क्राइटेरिया देख लिया है, अब इसके रिगार्डिंग भी हम जब बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है। सिलेबस ये हम कहते हैं एग्जाम पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं या फिर सिलेबस की बात कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इसका किस तरीके से है, एग्जाम पैटर्न हम जब बात करते हैं यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम की, तो एग्जाम पैटर्न है जो वो कुछ इस तरीके से होगा। 3 लेवल के ऊपर होता है, सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट जिसको हम पेट बोलते हैं,
फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आवा हो इंटरव्यू, ठीक है। रिटर्न एग्जाम के दो पार्ट होंगे, जो कि दो एग्जाम लिए जाएंगे, मतलब जो कि आपको सेम दिन के अंदर ही देने हैं। जो पहला है वो होगा आपको, वो होगा एमसीक्यू बेस्ड, या हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होगा वो होगा सब्जेक्टिव पेपर। पहला होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर 125 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, जो एक हर एक एमसीक्यू दो नंबर का होगा और 250 मार्क्स इसके होंगे। इस पेपर के अंदर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, ठीक है, जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर क्या होगा, वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर आपके जीएस के क्वेश्चन भी होंगे कुछ, ठीक है, कुछ आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे, ये सारी बातें होंगी, ओके। तो नेक्स्ट है जो 125 × 2 जो है 1/3 मार्किंग वाला, इसके अंदर देखने वाली बात है कि इसके अंदर आपकी जो मेरिट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, पहले यू नीड टू कट ऑफ ऑफ दिस 250 मार्क्स, कि अगर आप पहले, मतलब पहले आपको पेपर वन की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपके सब्जेक्टिव का पेपर चेक होगा, अगर आपकी कट ऑफ पेपर होगी, पेपर वन की आप क्रैक कर लेते हैं, और फिर फाइनली पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिला के आपकी रिटर्न का रिजल्ट आएगा। रिटर्न का रिजल्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने रिटर्न क्रैक कर लिया है, ठीक है, रिटर्न क्रैक करने के बाद आप जाएंगे फिजिकल या मेडिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट है जो क्वालिफाइंग होगा, इट इज नॉट वेरी टफ फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, ठीक है, जो कि आपने अगर आर्मी वगैरह के लिए कभी देखा होगा तो उतना टफ नहीं होता। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं, देखिए आपको पहले 100 मीटर की जो रेस होगी, ठीक है, जो पहले होगा 100 मीटर होगा, फिर 800 मीटर होगा, ठीक है, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप होगी और फाइनली शॉर्ट पुट होगा, ठीक है। अगर हम इन सबको देखें, यहां पे हम लिखते हैं मेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और फीमेल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो 100 मीटर जो मेल को है वो 16 सेकंड के अंदर पार करना होगा, फीमेल को वो 18 सेकंड के अंदर पार करना होगा। 800 मीटर है जो, वो आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, 800 मीटर आपको 3:45 में मेल को पार करना होगा, ठीक है, और फीमेल को 4:45 में पार करना होगा, मतलब वेरी इजी। लॉन्ग जंप है जो मेल को लगाना होता है वो 3.5 मीटर का है, और फीमेल को जो लगाना होता है वो है 3 मीटर का। इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, यूनियन आपको पहली बारी में क्रॉस करना है। शॉर्ट पुट जो मेल को फेंकना है वो 4.5 मीटर का फेंकना होता है, और फीमेल के लिए ये होता ही नहीं है। तो काफ़ी इजी इसका मेडिकल, फिजिकल या मेडिकल टेस्ट है, ठीक है। आप अगर बात करें ग्लासेस की, कि आप ग्लासेस पहन सकते हैं नहीं पहन सकते, अगर आपने ग्लासेस आपके लगे हुए हैं तो क्या आप इस पोस्ट के अंदर जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपका अगर -4 या +4 तक आपके आंखों का नंबर है चश्मे का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल भी, ओके। इसके अलावा वेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, बट दैट इज फॉर द अनदर डे, ओके। उसके बाद फाइनली ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, किसके, फिजिकल या मेडिकल के। उसके बाद 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जो लिया जाएगा, कहाँ कौन लेगा, यूपीएससी भवन के अंदर, दिल्ली के अंदर ही आपका इंटरव्यू होगा ये, ओके। और जो बोर्ड, मेन यूपीएससी का जो बोर्ड है, वही आपका इंटरव्यू यहाँ पे लेने वाला है, तो इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वन टाइम आई गोट रिजेक्टेड बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी पुअरली इन इंटरव्यू, आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन रिटर्न एग्जाम, बट इंटरव्यू के अंदर मेरे काफी पुअर मार्क्स है, जिसकी वजह से मैं फाइनल लिस्ट से बाहर रह गया था। तो इंटरव्यू हेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हम जब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का मैं आज आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, जो हमारी पहली क्लास होगी वो दैट विल बी ओपन टू ऑल, ठीक है, जिस कोर्स के जो स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर मैं डिटेल में सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ओके। तो अभी तो थोड़ा छोटे, अगर आपको माइक्रो एनालिसिस अभी नहीं देखे, मैक्रोव्यू अगर मैं आपको देता हूं सिलेबस का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मैक्रोव्यू जो सिलेबस का है, उसमें पहले जो जीएस का पेपर वन है, ऑब्जेक्टिव पेपर वन, वो मेनली जीएस का पेपर, उसमें 3 आते हैं, जीएस आता है उसके अंदर रीजनिंग भी पूछी जाएगी और उसके अंदर क्वांट भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 125 क्वेश्चन के अंदर। जीएस के अंदर जो सारे मेनली सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, वही मेनली सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, लेकिन देर आर सर्टेन डिफरेंसेस विच यू नीड टू गेट अ ग्रेस्प ऑन, विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।
सेकंड है पेपर टू। पेपर टू अगर आपने पहले किसी से पूछा होगा तो किसी ने आपको, कोई ने कभी, किसी बेवकूफ ने तो आपको ये बता ही दिया होगा कि इट इज़ एन इंग्लिश पेपर, ठीक है, दैट एंड दैट इज सर्टेनली नोट। इसके अंदर टोटल 200 मार्क्स का पेपर आता है जो कि बाइफरकेशन है, 135 जो जीएस पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, एसे के थ्रू, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, 165 का, 135 मार्क्स का आपको जीएस पूछा जाएगा और सिर्फ 65 मार्क्स का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। ओके, इंग्लिश आपको 65 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी, बेसिक है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें पेपर टू के लिए, ये हो गया है, तो बात करते हैं हम हाउ अभिमन्यु इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। सो आई एम, इवन लास्ट ईयर आई हैव रन ए बैच फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम एट अभिमन्यु, गोट अ वेरी गुड रेस्पॉन्स, वो 12 सिलेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो इस साल हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास ही है, लेकिन जो रेगुलर क्लासेज होंगी इसकी, रेगुलर क्लासेज होंगी, ठीक है, वो स्टार्ट होने वाली है 3 फेब से। 3 फेब से इसकी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ओके, 3 फेब से रेगुलर क्लासेज स्टार्ट होंगी और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों के अंदर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर अवेलेबल होगा। किस में अवेलेबल होगा? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर ये अवेलेबल रहने वाला है। ओके, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया, वहां जाके पूरी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का और ऑफलाइन का भी रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है। ओके, इसके अंदर ये जो कोर्स है वो आपके 4 महीने चलने वाला है, 4 मंथ्स कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी करवाई जाएगी डिटेल के अंदर, पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है। इसके अंदर कुछ क्लासेस मैं भी लूंगा और कुछ अभिमन्यु की जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है हमारी वो इसके अंदर क्लासेस लेंगी। मतलब दिस इज नॉट ए वन मैन जॉब। जो आपको लगता है कि कई लोग इसको SSC के पेपर से कंपेयर करते हैं, तो दैट इज जस्ट अ मिसनोमर। यू कैन नॉट क्रैक CAPF बाय प्रिपेयरिंग फॉर SSC, ओके, और बैंकिंग एग्जाम। इट इज अ डिफरेंट एग्जाम ऑल टुगेदर। एटलीस्ट दो विच पीपल आर सेइंग इट इज इक्वल टू द SSC, दे शुड रियली थिंक अबाउट दैट, बिकॉज द एग्जाम इज टेकन बाय द UPSC ओनली। तो अगर UPSC एग्जाम ले रहा है तो SSC वाले तो स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे बिना तैयारी करें, ठीक है भैया। इसका जो पैटर्न है आपको पता है, मैंने बताया अभी तक, तो 4 मंथ्स का होगा, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए होगा। इसके अंदर GS, इंग्लिश, रिटर्न, सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। ओके, एवरी इवन द माइक्रो, मोस्ट माइक्रो पार्ट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड थ्रू दिस कोर्स, आपको पता होना चाहिए। ओके, और 4 मंथ्स का कोर्स है, पेपर वन और पेपर टू दोनों के अंदर चलेगा ये। ओके, और फाइनली ये सारी बातें होने के बाद इसके साथ हम आपको एक टेस्ट सीरीज भी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि स्टार्ट होने वाली है 12 मार्च से। 12 मार्च से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सिलेबस आप लोग पढ़ लें और उसके बाद पेपर टेस्ट दे सकें, ठीक है। तो द क्लासेज एट द स्टार्ट, आई एम गोइंग टू टेक द क्लासेज, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में एक या दो क्लास हम YouTube के ऊपर आपको लाइव भी दिखाने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आपको देखना, तो एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आपको अगर डेमो चाहिए तो आप 1-2 दिन का डेमो आप ले सकते हैं हमारे कोर्स का, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट गो देर एंड रजिस्टर योर सेल्फ देर, ओके। बस 2 दिन का ही डेमो दूंगा, उससे ज़्यादा देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है, बिकॉज एट अभिमन्यु ओनली एक्सपर्ट फैकल्टीज आर टीचिंग, सो कोई ऐसा इशू वाली बात ही नहीं है। प्लस मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है CAPF का कि आपको शायद ही कोई बेटर गाइड कर सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर इस कोर्स के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, 950-110-5385, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, बाकी आप नीचे लिंक के ऊपर जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली टू कॉन्टैक्ट मी, अदरवाइज अगर मैं नहीं होता हूँ तो वन ऑफ द काउंसलर विल टेक योर क्लास कॉल एंड ही गोन रीडायरेक्ट टू मी। तो अगर आपको इसके अलावा CAPF के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेबस में आपको डिटेल्ड नेक्स्ट जो हमारी पहली क्लास होगी, मतलब रेगुलर क्लासेज जो 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसके अंदर जो पहली क्लास होगी उसके अंदर मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको अगर कोई और भी ऐसी जानकारी चाहिए तो यू कैन जस्ट पिंग मी, ओके, और लिंक पे आप जाइए। ऑफलाइन का अलग लिंक दिया नीचे और ऑनलाइन का मैंने अलग लिंक दिया, दोनों की फीस स्ट्रक्चर भी अलग है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं क्लास तो आपको रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट दोनों के अंदर मिलेगी। वैसे तो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन, वैसे भी अगर लाइव क्लासेस देते हैं तो आप कर ही सकते हैं,
तो आप इंडिया में चाहे कहीं पर भी बैठे हों, ठीक है, आप अभिमन्यु या हम कहेंगे हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिपीडिया, उसके थ्रू इस जो हमारा कोर्स है उसका कंप्लीट बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।